सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हारा क्लास थ्री में चैप्टर टेन का क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब पेज नंबर देखो 51 और 52। आज पहले हम देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अपना चित्र में देखो क्या लिखा है, ऊपर दिए गए जो चित्र देखो, एक बतख तैर रहा है, चिड़िया उड़ रहा है और यहां पे लड़के खेल रहे हैं और ये लड़की पानी में भीग रहे हैं। तो ये जो पुश करता है, पहले देखो बतख क्या करता है, तैरता है, तैर का काम करता है और चिड़िया उड़ रही है, उड़ने का काम करता है और बच्चे लोग खेलते हैं, खेलने का काम करता है और लड़की भीग रही है। तो इस वाक्य में हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पे तैर रहा है, उड़ रहा है, खेल रहा है, भीग रहे हैं, ये सब क्या होता है, क्रिया होता है जो करते हैं। ठीक है, तो क्रिया शब्द के कितने उदाहरण देखो, जैसे हम दिखा है खाना पीना नाचना जाना आना रोना हंसना, ये सब आता है। तो और देखो, पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है। ये जो चार फिर वाक्य बोला मैंने तुमको, इसी में क्या दिया है, ये सब अपने आप होने वाले काम करते हैं और ये किए जाने वाले काम करते हैं। किए जाने वाले काम क्या करते हैं, पिताजी फोन करते हैं और माता जी खाना बनाते हैं, ये किए जाने वाले काम होते हैं। अपने आप होने वाले काम क्या होता है, सूरज निकलता है, बारिश होता है। तो फिर आगे हम देखेंगे, देखिए गरिमा पार्क में गया, कुछ अर्थ नहीं आता है, तो यहां पर क्रिया जब लग जाता है तो क्या होता है, गरिमा पार्क में क्या करता है, गरिमा पार्क में खेलता है। ठीक है, और रोहन पतंग उड़ा रहे हैं, ये जो उड़ा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब एक एक चार क्रिया होता है। ठीक है, तो इसी से हमें यह पता चला कि काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं और क्रिया के जुड़ने से वाक्य पूरा होता है। हम ऐसे उदाहरण दिया ना, अगर ये हम वाक्य पूरा नहीं करेंगे तो ये शुद्ध वाक्य नहीं होता है और हमारा समझ नहीं आता है। गरिमा पार्क में क्या करता है, खेलता है। अगर हम कहेंगे गरिमा पार्क में कुछ नहीं आता है समझ में, तो ठीक है, इसीलिए क्रिया के जुड़ने से वाक्य पूरा होता है। जिसे बोलना पढ़ना पढ़ाना दिखना आदि, ये सब एक एक क्रिया होता है। ठीक है, आप पता चल गया क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।